पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुम्हारी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया, तुम्हारे इशारे पे नहीं हुआ होगा शायद, लेकिन तुम्हारे होते हुए तो हुआ ना। मैं लेकिन जान रहा हूँ, मालूम करने का है, क्या लपड़ा है ये। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब से हम सब संभाल लेंगे। एंड बाय द वे, आई ने तुम्हारा टिकट विथड्रॉ कर लिया है। आप दोनों को मुझे लेके कोई गलत फहमी हुई है, और मेरे को सत्ता से ना बहुत टाइम तक दूर नहीं रख सकते। रमत यहां पर है, उसका दिल दुखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले सत्या, जिस तरह तूने छोटे छोटे बच्चों को मारने की कोशिश की ना, तू इंसान रहा ही नहीं है, जल्लाद बन चुका है। और तुझ जैसे जल्लाद को मैं खुद उसके ठिकाने लगाऊंगा। अति जल्द तेरी हकीकत सबके सामने लाऊंगा। एक बात तो तय है, इस बार सत्या की नहीं, सत्य की जीत हुई है। हमारे होते हुए अब यही होगा। आप लेकर आ सकते हैं। इस वर्दी के सच्चे हकदार सिर्फ आप ही हैं अंकुश जी। देखी तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाबा मुझे भूल ही गए, पर मैं उन्हें भूलने नहीं दूंगी।
अंकुश, विश्वास था मुझे बहुत जल्द मैं तुम्हें वर्दी में देखूंगा। साहिब, ये लोग, ये वो तुम्हारे वो है क्या बोलते है? ट्रेनर जिम के, ये दूसरे जो खाने पीने का दिखते है, डाइटिशियन वो, और वो नहीं क्या वो ऐसा उंगलियां बिंगलियां पकड़ के है, योगा। योगा, योगा के टीचर है अपने, और ये अपने जो इंग्लिश के टीचर मास्टर जी। नमस्कार सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये लोग 24 घंटा रहने के तन्मय के साथ, जब तक तन्मय कंपटीशन खत्म नहीं करता और जब तक ये जीतता नहीं। ठीक है, जाओ। वर्दी तो आ गई बाबा, लेकिन बेला और ज़ाइब अभी भी पराए घर में है। लेकिन बेटा, मेरी बात हुई है बेला से, वो तुझसे नफरत नहीं करती, बस इस गलत फहमी का शिकार है वो। मैं देख रहा था बेटा, कितनी दिल की गहराई से प्रार्थना कर रही थी वो तेरे लिए और आर्या के लिए। किसी भी तरह एक बार बता दे उसे। बताऊंगा बाबा, लेकिन थोड़े वक्त के बाद शायद बेला से भी संभल के बात करनी होगी हमें, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सत्या, इसमें एक शैतान जाग चुका है तो जानता था, लेकिन इस हद तक गिर जाएगा कभी सोचा नहीं था मैंने। मेरे और बेला की 10 साल की शादी को उसके प्रभाव से बचाना है, लेकिन इस वक्त आर्या को बचाना जरूरी है। अगर सत्या को पता चल गया कि आर्या उसकी बेटी है ना, तो इस बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है बाबा। कम ईयर ऐसा बोल दे इंग्लिश में। देख तेरे आई को देख, मस्त लगती है ना, कितनी अच्छी है ना। अभी सोच, यही आई तेरी परेशानी में कैसे लगेगी, तकलीफ में, किसी के घर में भांडी बर्तन झाड़ू कट कपोता करते हुए। इसके लिए ये जो लोग लगाए हैं ना, वो लोग से तालीम लेने का, हाँ, सीखने का और कंपटीशन को जीतने का। नहीं तो तू और तेरी आई घर के बाहर जाने का। जा के लगी। ए, तू किधर चली? उसको भेज, तू जा रहे कमरे में। ये अंकुश है ना, उसकी वजह से वो पार्टी की टिकट मेरे हाथ से गई। अरे वो कल की छोकरी अंकिता, उससे हार है मैं, लेकिन वो ये लोग को मालूम नहीं है कि सत्य राज्य वड़कर से है ना। अब मैं जाएगा दिल्ली, प्रधानमंत्री को भी मिलेगा, अपना पार्टी का टिकट वापस लेगा। बस थोड़े टाइम की बात है, ये तन्मय कंपटीशन जीते ना तब तक। ओ, नहीं गई ना वो, रवाना नहीं हुई कंसाइनमेंट में। कोई बात नहीं, सुधर घर तो भेजूंगा उसको। पिता का हृदय है ही नहीं उसमें बाबा, खोखला हो चुका है वो अंदर से। लेकिन आर्या को जीतना होगा बाबा, दामिनी के लिए जीतना होगा। अगर उस दिन दामिनी की मदद करती होती तो आज दामिनी जिंदा होती है। अंकुश, तू इस तरह अपने आप को दोषी मानना बंद कर दे बेटा। तुम्हारे इस अपराध भाव के कारण आर्या भी यही मानने लगे है कि तुम्हारे कारण उसकी आई नहीं रही। कुछ कहा उसने ऐसा? नहीं बेटा, बस उसके मन में यही गुस्सा है कि
तूने उसकी आई की मदद नहीं की। बच्ची ही तो है, इतनी गहरी सोच नहीं है उसमें कि पेचीदा बातें समझ सके। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।